मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो सभी कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के सर्वे भी ये जाहिर कर रहे हैं कि जीत तो कांग्रेस को ही मिलनी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसे सुनकर लगता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटें जीती तो भी आसानी से सरकार बना लेगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को 7 सीटें जीतनी है जबकि कांग्रेस को पूरी की पूरी 28। अब 1% ये मान लिया जाए कि हो सकता है कि कांग्रेस 28 की जगह 18 सीटें ही जीत सके, फिर भी आसानी से सरकार बना सकती है। वजह यह है कि 18 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच जाएगी। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है, यानी 18 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस, बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलियों को जोड़कर सरकार बना सकती है। इसमें से 1 निर्दलीय प्रकाश जायसवाल को तो बीजेपी ने लाभ का पद दे दिया है, जिसके बाद उनका कांग्रेस को समर्थन मुश्किल है। पर उनके अलावा बसपा, सपा और अन्य निर्दलीय अब भी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिराने के लिए उन्हें जो वादे किए गए थे वो कोई वादा अब भी पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा आने वाले वक्त में कांग्रेस में भविष्य देख वो अपना समर्थन कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी चंद विधायकों को खरीदना पड़ सकता है, पर वो भी कांग्रेस के लिए खास मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिंधिया समर्थकों की वजह से पहले ही कई विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ विधायक तो बेहद आसानी से पार्टी बदल लेंगे। ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी।